एंटोन बैकोस सोवियत यूनियन के फिजिसिस्ट थे जो 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स भाग आए। फिर 1967 में उन्हें जासूसी के इल्जाम में वापस भेजा गया। उनका बेटा आइवन, जो खुद भी फिजिसिस्ट है, उस पर पाकिस्तान को प्लूटोनियम से लैस हथियार बेचने का इल्जाम लगा और इस जुर्म के लिए उसे 15 साल की सजा हुई। इसके आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टोनी, तुम जरा ऊपर आओगे, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखो, मैं सारा दिन नेशनल गार्ड के साथ फोन पर था, कोशिश कर रहा था उन्हें ये समझाने की कि वो यहाँ ना आए तुम्हारे घर में घुसकर ये सब ले जाने के लिए। वो तुम्हारे सूट हथिया लेंगे टोनी, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। तुमने कहा था कि ये टेक्नोलॉजी अगले 20 सालों तक किसी के पास नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। किसी और ने कल ही ऐसे सूट का इस्तेमाल किया। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम ठीक हो?